हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज मैं बनाऊंगी मेरी मम्मी के हाथ की स्पेशल रेसिपी। आज की जो भिंडी की रेसिपी है ये मेरे मम्मी के हाथ की बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो आप अपने घर में ज़रूर बना के सबको खिलाएं, और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए 250 ग्राम भिंडी, और मैंने भिंडी को इस तरीके से चॉप कर लिया, आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा पतला। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे मैं आपको बनाते टाइम बता दूंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अब हम ले लेंगे पैन, पैन में डालेंगे तेल, तेल जैसे हमारा गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे आधा चम्मच साबुत जीरा, और डाल देंगे 4 ग्रेट किए हुए लहसुन। अच्छे से इनको डाल के फ्राई कर लेंगे। गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लो फ्लेम में हमने जीरा और लहसुन को फ्राई कर लिया है, अब डाल देंगे इसमें भिंडी। भिंडी को 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, जब तक कि हमारा अच्छे से ये फ्राई ना हो जाए। गैस का फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे, और बीच बीच में हम इसे चलाते भी जाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं भिंडी को फ्राई करते हुए, अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने से बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर उभर के आता है, अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप ज़रूर डालें। और डाल देंगे यहाँ पर 2 हरी मिर्च को चॉप करके। 2 मिनट और हम इसे फ्राई करेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे, और आप देख सकते हैं भिंडी का कलर चेंज हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में, आप अपने घर में ज़रूर बना के देखें। 3-4 मिनट हो गए भिंडी को फ्राई करते हुए, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे मीडियम साइज़ के प्याज को, इस तरीके से चॉप करके खोल के डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, और डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर। ये सभी डाल लेने के बाद अच्छे से एक और बार इसे मिला लेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम भिंडी को इस तरीके से थोड़ा सा साइड कर लेंगे, एक तरफ जगह बना लेंगे पैन में, और डालेंगे बेसन। बेसन डाल लेने से इस रेसिपी की बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर उभर के आ जाता है, आप इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस ना करें। हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। 1 मिनट लगेगा बेसन को भूनने में। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही, और उसमें हम डाल देंगे आधा कप पानी मिलाकर। उससे पहले हम इस तरीके से बेसन और भिंडी को मिक्स कर लेंगे। बेसन और भिंडी को मिक्स कर लेने के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही, और दही में मैंने आधा कप पानी डाल के मिक्स कर लिया है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम में, जब तक कि हमारा ये जो ग्रेवी है थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। अब हम इसे मीडियम लो फ्लेम में बीच बीच में हिलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बनने के तैयार होने में, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं बना रही हूँ। आप ये रेसिपी रोटी चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। रोटी चावल या फिर पराठे के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, और बना के आप ज़रूर ट्राई करें, और कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। भिंडी हमारा ऑलरेडी पहले से फ्राई हो चुका था, दही डाल लेने के बाद हम इसे ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, जब हमारा थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए तो हमारा ये बनके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा जो दही है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और जो हमारा भिंडी है वो भी तेल छोड़ने लगा है, और आप देख सकते हैं बनके तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी भिंडी की रेसिपी। इसी तरीके से हमें इसे बना के तैयार करना था, अब सर्व कर लेंगे इसे एक प्लेट में। और देखिए बनके तैयार हो गई मेरे घर की तो स्पेशल रेसिपी। आप भी अपने घर में बना के इसको स्पेशल रेसिपी बना लीजिए अपने घर की। सो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते एक नई रेसिपी के साथ।